हिंसा का रुख ले चुका है भारत बंद प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में हुई एक की मौत और ग्वालियर के कई हिस्सों में लग चुका है कर्फ्यू। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा मामले के बाद दलित संगठन आज देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह ट्रेनें रोकी गई हैं और वाहनों की तोड़फोड़ कर दी गई है। मुरैना में प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इसके अलावा कुछ राज्यों में झड़प की घटनाएं सामने आ रही हैं। मेरठ में भारत बंद का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने शोभापुर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कारों और अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ की है, जिससे लोगों को चोटें आ गई हैं। इसी के साथ SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है, दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई बहन आज सड़क पर उतर कर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सरकार ने इस अधिनियम के संबंध में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, फिर भी हंगामा अभी जारी है। इन घटनाओं से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल PMS मीडिया। जल्द ही फिर हाजिर होंगे आपके लिए ताजी खबरें लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।